दोस्तों आज हम आपको कुछ खास जानवरों से मिलाने वाले हैं। हमने इन्हें खास इसलिए कहा क्योंकि ये हरकतें ही ऐसी करते हैं जिन्हें देखकर कोई भी इन्हें आम जानवर तो बिल्कुल भी नहीं कहने वाला। तो यार हर बार की तरह हमारी आज की ये वीडियो भी काफी फनी और मजेदार होने वाली है, तो इसे बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। ये है एनिमल मोमेंट 60। आजकल लोगों को जंगली जानवरों में बेयर काफी पसंद आते हैं, वो इसलिए क्योंकि बेयर भी कुछ हद तक पांडा जैसे क्यूट नजर आते हैं, जिनके एक क्लिप आप यहाँ भी देख लीजिए जिसमें हम देख सकते हैं कि ये दो बेयर लोगों के सामने उन्हें की तरह खड़े रहकर बड़े स्टाइल में कुछ खा रहे हैं, जो कह रहे होंगे रोज रोज बेयर बन के बोर हो गया, चलो आज कुछ देर के लिए इंसान बन जाए। कसी आए बाबा, फ्री ला, ला। तो मैं भी फ्री खाता हूँ, चलिए लाइए। कितना खा रहा है जाडिया? ओ, सरक सरक उधर। सुनिए मैडम, मेरी बात सुनिए मैडम। मीना जी, मीना जी, डीना जी। दोस्तों गैंडा जंगल का दूसरा सबसे बड़ा साइज का जानवर है, इसलिए जाहिर सी बात है कि इससे हर जानवर डरता ही होगा। फिर ये वाइल्ड डॉग्स क्या चीज है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ ये राइनो कुछ खा रहा है और पीछे से बाहर भी निकाल रहा है, जिसके सिर्फ पॉटी से ही ये वाइल्ड डॉग्स डर गए, जिसके बाद राइनो ने किक देकर अपनी पॉटी उनकी तरफ फेंकी, जो कह रहा होगा मैं घास खा लेता हूँ, तब तक तुम मेरी पॉटी टेस्ट कर लो। निकल बाबा, साला खुद दवा खराब करता है, निकल। कितना पावड़ा खाता है दवा के। दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी एनिमल मोमेंट मिस ना कर पाए। मंकी और चिंपैंजी दोनों भी एक दूसरे से कुछ खास अलग नहीं है, क्योंकि इन दोनों में ही मस्ती का कीड़ा होता है, जिस वजह से सामने कोई भी हो ये किसी को नहीं छोड़ते। जैसे कि यहाँ ये चिंपैंजी मस्त कपड़े पहनकर बेचारे बेबी टाइगर को जबरदस्ती खींचने में लगा है, जो उसे खेलने के लिए ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज हमारे टाइगर का खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं है, जो इस चिंपैंजी के पास भी नहीं जाना चाहता। यह काम कर, तू जा, तू अकेला जा, और होगी तो ऐसा कान खींच के बाहर लेकर ए राजू। लेकिन क्या करे, आखिर में ये चिंपैंजी बेचारे टाइगर को अपने साथ लेकर ही गया, जो शायद इस बेबी टाइगर के साथ घर घर खेलने वाला है। चलिए ना मेरा बाबा, आप चलिए, मेरा साथ नहीं, एक किधर भी लेकर जाता बाद में फंसा देता है। भैया मेरी बात सुनो, इधर आओ, चलो उधर। नहीं मेरे को किडनी नहीं बेचने का है। अरे आपकी किडनी नहीं चाहिए मुझे। नहीं मेरे को आँख नहीं बेचने का है। कुछ जानवरों में दूसरों से पंगे लेने का काफी बड़ा वाला कीड़ा होता है, जिसकी वजह से बाद में उन्हें ही उसका नतीजा भी भुगतना पड़ता है। ठीक ऐसे ही एक मस्तीखोर जानवर को आप यहाँ देख लीजिए। इस क्लिप में ये डॉग अपने घर में जाकर आराम करना चाहता था, लेकिन ये मुर्गा है कि उसे अपने ही घर में जाने से रोक रहा है। इतना ही नहीं, ये भाई कुत्ते को उसके घर में घुसकर धमका भी रहा है, और बेचारा कुत्ता भाई कुछ कर भी नहीं रहा। साले कुत्ते, पैसा खाया मेरा, साले तूने पैसा खाया मेरा। ए उंदीर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ए मार माते, ए बोला ना, एक मिनट। अगर इसके ओनर ने कुत्ते के बजाय इस मुर्गे को ही चैन से बांधा होता तो आज ये ऐसी हरकत ना करता, क्यों सही कहा ना। गाइस आपने अभी तक बड़े बड़े जानवरों का गुस्सा देखा होगा, यानी किसी कुत्ते का, बिल्ली का, शेर का या फिर कोई और, लेकिन अभी जरा इस छोटू पोपट का गुस्सा भी देख लीजिए, जो किसी शेर के गुस्से से भी खतरनाक है, क्योंकि ये भाई अपने ओनर को खुद की ही भाषा में डांट रहा है, जो पता नहीं आखिर क्या कहने की कोशिश में है। खैर बात कुछ भी हो, ऐसा ये गुस्सा दिखाना तो सच में बड़ा ही प्यारा है, और आप में से कौन कौन ऐसे छोटे उस्ताद का गुस्सा सहन करना चाहेंगे कमेंट्स में जरूर बताएं। यहाँ ये ओरांगुटान मजे से इस पोल के साथ खेल रहा था कि तभी खेलते खेलते अचानक से पोल घूम गया और इस बेचारे के मुंह पर लग गया, जिसके बाद ये छोटे उस्ताद रोने लगे। मजा है, ऐसा नहीं है कि हर बार जानवर ही इंसानों के साथ पंगे लेते हैं, देखा जाए तो इंसान भी इस मामले में कुछ कम नहीं। वो कैसे, ये आप इस क्लिप में देख लीजिए, जिसमें ये लड़की बेचारे शिप्स के पिछवाड़े को सहलाने में लगी है। वहीं दूसरी ओर इस शिप की रिएक्शन देखो, जिसका मुंह देखकर साफ नजर आ रहा है कि ये कहना चाहती है बस इंसानों ने यही करना बाकी था। My
मंकी हमेशा से ही सभी के साथ मस्ती करने में और उन्हें उंगली करने में आगे होते हैं, क्योंकि ये जंगल के इकलौते ऐसे जानवर है जो इंसानों के पास जाकर उन्हीं के साथ प्रैंक करता है। लेकिन देखा जाए तो ये मंकी अपने बिरादरी के लोगों को भी अपनी इस मस्ती से नहीं बख्शते। जैसे कि यहाँ ये बेबी अपने काम से काम रखे बैठा था कि तभी बड़े वाले ने उसे धक्का दे दिया और फिर उसकी ममा ने उसे फिर से अपने पास खींच लिया, जो कह रही होगी इस बड़े बंदर का दिमाग घूम गया है, आ जा तू मेरे पास बैठ जा। कंट्रोल क्या कर रहा है, बच्चा है ना? गलत फहमी है आपके, बच्चा था। किसी से बेवजह पंगे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सभी जानवर शांत बैठने वालों में से हो ये जरूरी नहीं। कुछ जीव इस मछली जैसे वायलेंट भी हो सकते हैं। यहाँ ये शख्स इस मछली को खाना दे रहा था, लेकिन उसमें भी ये मछली के साथ नखरे में लगा है, जिस वजह से मछली को गुस्सा आया और उसने खाने के बजाय डायरेक्ट इस शख्स के उंगली को ही धर लिया। जो कह रही होगी उंगली करना बहुत पसंद है ना तुझे, आ तेरी उंगली तोड़ देती हूँ मैं। देवा बहुत भूख लगा है। उंगली मत कर, इंसान है कि कौन है? तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। अगर तू उंगली नहीं करता तो अपनी भी गिनती शरीफों में होती। जानवर मासूम होते हैं ये बात तो आप भी बखूबी जानते हैं, जिनकी मासूमियत के चलते ये कुछ भी कांड कर देते हैं, और ये देखकर हंसी आना तो बनता ही है। जैसे कि यहाँ इस बिल्ली को ही देख लीजिए, जो खुद की ही शेरों को देखकर डर गई और अजीबोगरीब एक्शंस करने लगी, मानो ये अपने शैडो से पंगा लेकर ही मानेगी। तेरी झलक शर्फी श्री बल्ली नैना मदद। खैर अब इस बेचारे को कौन समझाए कि ये जिससे पंगे लेने में बिजी हैं वो और कोई नहीं उनकी ही शैडो है। गाइस आपने जू में गोरिल्लास को तो देखा ही होगा, जो वहां पर आए लोगों के साथ मस्ती करने में बिजी होता है, और उस वक्त ये बड़े ही फनी और प्यारा नजर आता है। वैसे ही अभी हम आपको इन्हीं गोरिल्लास का एक खास किस्सा दिखाने वाले हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक गोरिल्ला इस ग्लास की तरफ बैठा था कि तभी उसे घास में कुछ दिखाई दिया जो कि एक स्नैक था। इस स्नैक को देखकर भाई जरा ज्यादा ही डर गया, जिसने अपने साथियों को भी वहाँ बुलाया। उसमें से एक ने स्नैक के पास जाने की कोशिश करी तो वो भी डर गया। ये सब होने के बाद कुछ देर में वहाँ उन सब का बॉस भी प्रकट हो गया, जो कह रहा होगा ये क्या हो रहा है बच्चे लोगों। जिसके बाद बड़े वाले गोरिल्ला ने भी इस स्नैक को देखा और कुछ देर बाद उसी स्नैक के भीतर बैठ गया। बैठे बैठे बोर होने के बाद गोरिल्ला भाई को पता नहीं अचानक क्या हुआ कि वो स्नैक को पप्पी लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्नैक ने उसे लव बाइट दी, जिसके बाद सभी वहां से भाग गए। पप्पी दे दे मुझे। ए शाम, ए पागल मत बन। एक पप्पी दे दे मुझे। कौन कहता है कि ओवर एक्टिंग सिर्फ इंसान ही करते हैं, देखा जाए तो जानवर भी इस काम में कुछ कम नहीं बॉस। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं यह आप खुद ही इस क्लिप में देख लीजिए, जिसमें ये पपी इस बिल्ली के पास जाने की कोशिश करता है और तभी बिल्ली ने बस उसे थोड़ा सा डराया, जिस वजह से ये पपी इस तरह चिल्लाने लगा मानो बिल्ली ने उस पर हमला ही कर दिया हो। ये होने के बाद कुत्ता भाई रोते रोते वहां से निकल गया और बेचारी बिल्ली अभी भी ये सोचने में लगी है कि इस कुत्ते के पिल्ले को आखिर हुआ क्या है। छाती फोड़ा रे बाबू, ये तुम ठीक हो? दिमाग खराब है क्या तेरा? तो उल्टा पैदा हुआ था क्या? आप में से बारिश का मौसम किसे किसे पसंद है? जाहिर सी बात है काफी सारे लोगों को बारिश तो पसंद ही होगी, लेकिन हम आपको बता दें कि बारिश का मौसम सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी पसंद होता है, और वो जानवर कौन है ये आप यहाँ देख लीजिए, जिसमें कुछ रंकूस अपने हाथों को इस दरवाजे के नीचे से बाहर निकालकर बारिश में पानी के मजे ले रहे हैं, जो शायद बाहर आना चाहते हैं। वैसे आपको कौन सा मौसम सबसे ज्यादा पसंद है हमें जरूर बताइए। ओ गॉड, एक बार दिला दे। बेयर खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, फिर चाहे किसी के घर में ही क्यों ना घुसना पड़े, लेकिन अभी कोई बेयर किसी के घर में नहीं घुस रहा बल्कि यहाँ खड़े होकर खाने के लिए डांस कर रहा है, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये सारे अपनी गैंग के साथ यहाँ मौजूद हैं, जो देखने में काफी प्यारा लग रहा है। ये क्या रही, इधर धूप में छाता बना के छोड़ा है? ये माल मिल गया। अरे हम लोग ये जग मारने आए, घूमने आए यहाँ पर, कहते हैं 1000 रुपए दो तो जगह मिलेगी।
दोस्तों अगर आप वीडियो का पार्ट 61 चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए पार्ट 61। अब जरा इस कुत्ते को देखिए जो किसी पर हमला करने की पूरी तैयारी में है, जिसकी तैयारी देखकर लगता है सामने जो कोई भी होगा उसकी तो बैंड बजने वाली है, लेकिन जरा पता तो चले सामने आखिर है कौन। अरे धत तेरे की, यहाँ सामने तो एक नकली शेर है। अरे प्रॉब्लम सॉल्व करने दे मेरे को, अभी तेरे को दिखाना पड़ेगा। मैं भी तेरे को दिखाएगा। दिखाना लगाना लगाना दिखाना लगाना लगाना अरे दिखाना लगाना लगाना सी बड़बड़ 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 बड़बड़। यानी अपना बेचारा डोगो भाई इस नकली शेर को देखकर चार्ज हो गया। अरे यार इसे कोई बताओ कि अपनी एनर्जी जाया ना करे, क्योंकि सामने वाला शेर तो नकली है। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। खैर हर बार की तरह आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन से जानवर का कारनामा सबसे फनी लगा कमेंट्स में जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।